अगला मैच सिवांस राइजर और अंकित मिहिर चैलेंजर्स के बीच में। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण मैच होगा। टॉस की अगर बात करें तो बीच मैदान से खबर ये है कि सिवांस राइजर जिन्होंने टॉस जीता है और जो है भी सिवांस राइजर जिन्होंने टॉस जीता और पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया है, तो अंकित मिहिर चैलेंजर्स को आमंत्रित किया है यहां पे बल्लेबाजी करने के लिए। सलामी दो बल्लेबाज अंकित मिहिर चैलेंजर्स की ओर से। कौन से बैट्समैन? अंकित और बिकू स्ट्राइक पे होंगे अंकित, और गेंदबाजी का पार संभालेंगे सिवांस राइजर की ओर से मृणाल कृणाल। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बिल्कुल जड़ में जरूरत थी इस प्रकार की शुरुआत की। हीरो होंडा ने कोई नहीं, चावी मॉडल छे मैक लुब्रिकेंट नु भाई किचन छे, कोई मोपेड नहीं भाई, चावी लागे छे हीरो होंडा ने मैक लुब्रिकेंट नु किचन छे, कमेंट्री बॉक्स में थी आवी ने ले जाए। जी हाँ, वहां पे उठा के मिड विकेट की दिशा में खेला है वन बाउंस चौका, तो इस पारी का जी पहला चौका, पारी का पहला चौका यहाँ पे आता हुआ और अपना खाता खोला यहाँ पे अंकित ने चार रन के साथ और टीम का भी खाता खुलता हुआ, तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में टीम का खाता खुला है। अब गेंदबाज कृणाल ऑफ स्टंप पे लॉन्ग ऑफ शॉट थर्ड मैन, सामने एक सिली पॉइंट के रूप में कैचिंग पोजीशन और एक पॉइंट, हवा में गेंद, कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं, लेकिन ग्राउंड डाइमेंशंस के रूल्स के मुताबिक दो रन जरूर मिलेंगे अंकित को। अच्छी गेंद थी लेकिन शॉट भी काफी अच्छा था, ऊपरी किनारा हालांकि लगा था लेकिन फिर भी पावर प्ले में ये शॉट काफी इंपॉर्टेंट काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कोई फील्डर वहां पे मौजूद होता नहीं, अमूमन थर्ड मैन और फाइन लेग पे बाउंड्री पे। ऑन साइड पे अब एक मिड ऑन रखा हुआ है 30 यार्ड सर्कल पे, पीछे एक शॉट फाइन लेग ऊपरी किनारा, जी हाँ एक रन मिलेगा वहां पे। ऑन साइड पे एक सामने की ओर कैचिंग पोजीशन पे शॉट स्क्वायर लेग से भी थोड़ा आगे, फील्डर बिल्कुल सामने एक ऑफ साइड पे और ऑन साइड पे कैचिंग पोजीशन दो, एक रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 7-7 रन। अच्छी गेंदबाजी अब तक, एक चौका जरूर आया है, फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली, कैचिंग पोजीशन को अब थोड़ा 30 यार्ड सर्कल पे शॉट कवर के दिशा में खड़ा कर दिया है। जी हाँ, लेंथ डिलीवरी शायद डाल सकते हैं, जी हाँ ऑफ साइड ऑफ स्टंप रूम था वहां पे, लेकिन फिर भी मात्र एक ही रन मिलेगा, 8 रन स्कोर 8 रन। पहला ओवर कृणाल के द्वारा ये प्रगति पर है, दो ओवर का पावर प्ले रहेगा जिसमें मात्र दो फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर आप रख सकते हैं। पावर प्ले में गेंदबाज किस प्रकार से गेंदबाजी करता है वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है टीम के लिए। जी अच्छी गेंदबाजी, पर्दे के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकली, जी किनारा लगा था एक महीम सा गेंदबाज, क्योंकि आखिरी गेंद पे विकेट के काफी नजदीक थे। अब डॉट बॉल के साथ ये पहला ओवर खत्म होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद पे एक मौका जरूर था वहां पे, कौन था बैट्समैन पीको अंकित का विकेट लेने में पूरी तरीके से कामयाब हो चुके थे। पढ़ने के बाद एक कटर की तरह गेंद निकली थी, हल्का सा कट हुआ गेंद, बाहरी किनारा लगा था, मौका बनाया था लेकिन इस मौके को बना नहीं पाए। अब देखना है कि ये जो कैच छूटा है कितना महंगा साबित होता है यहाँ पे
शिवांश राइजर के लिए गेंदबाजी में कौन जी वाइड के साथ शुरुआत करेंगे क्रिस अपने पहले ओवर की। वाइड के साथ स्कोर पहुंच चुका है 9 रन। हल्के हाथों से इस बार अलंग द ग्राउंड खेला है, फील्डर थे मौजूद, रन आउट का मौका था, अगर साइड डायरेक्ट थ्रो होता तो कुछ यहां पे काम बन सकता था, लेकिन अच्छे तालमेल के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट के साथ एक रन यहां पे मुकम्मल किया। जी हां नो बॉल, जी हां फ्रंट फुट, जी हां फील्डिंग में थोड़ी, जी हां क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक जब गेंदबाज अपने गेंदबाजी रनअप पे होता है तो कोई किसी भी प्रकार की कमेंट या किसी भी प्रकार के शब्द आप नहीं कह सकते वहां पे जो सभी फील्डर खेल रहे हैं। जी हां उसी के तहत नो बॉल और अगली जो गेंद फ्री हिट होगी पावर प्ले में फ्री हिट एक बैट्समैन के लिए अच्छा तोहफा माना जाता है। बहुत ही बढ़िया गेंद थी लेकिन उससे भी बेहतर यह शॉट था। जी हां अंकित पहले ही मन बना लिया था और वैसे भी उनके पास इस गेंद पे खोने के लिए कुछ था नहीं क्योंकि फ्री हिट था तो उसकी वजह से विकेट का तो कोई चांस बनता ही नहीं था, लेकिन अगर इस प्रकार का शॉट फ्री हिट पे आ जाए तो बैट्समैन का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है। अब दबाव में रहेंगे क्रिस क्योंकि पहला ओवर काफी अच्छा रहा था, उसके बाद दूसरा ओवर अच्छी तरीके से उनको खत्म करने के लिए कप्तान ने भरोसा दिलाया था, लेकिन छक्का अब तक एक आ चुका है, महंगा ओवर शायद ये हो सकता है। अच्छी गेंद, जी हाँ अच्छा कमबैक, कोई मौका नहीं था, बिल्कुल हिलने का मौका नहीं अंकित के पास, बिल्कुल जड़ में कमबैक काफी अच्छा, इस पिछली गेंद पे जो छक्का आया था उसकी वजह से स्कोर पहुंच चुका है 17 रन। 9 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं, कमबैक करना होगा यहाँ पे क्रिस को। आउटसाइड जी ऑफ स्टंप की गेम थी, उसको वहां से ऑफ स्टंप पे से खींचा था, काफी नाराज क्रिस वहां पे थोड़ा, लेकिन 6 रन भी वहां पे तो जले पे जो नमक छिड़का है वो फील्डर ने उसका काम किया जिसके लिए वहां पे फील्डर खड़ा किया था। गेंदबाजी अच्छी थी, सोच अच्छी थी, ऑफ स्टंप पे गेंद उसको खींचा लेकिन पावर उतनी थी नहीं, विकेट वहां पे मौका बना था तो दूसरा मौका यहां पे अंकित को और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए जो 6 रन मिला उसके चौका, तो इस चौके की मदद से अब स्कोर पहुंच चुका है 27 रन। दो मौके अब तक मिल चुके हैं, जो दो जीवन दान मिल चुके हैं अंकित को और उसका फायदा उठाते हुए। इस बार बड़ा शॉट यहां कॉम बॉक्स के ऊपर से, ओवर की समाप्ति की है 6 रनों के साथ 33 रन, दो ओवर की समाप्ति पे 16.5 की औसत से रन आए हैं पहले दो ओवर में, 25 रन पिछले क्रिस के ओवर में आए हैं। हालांकि मौका जरूर मिला था लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब आपको मौका मिलता है उसका फायदा आप कितना उठाते हैं और उसी प्रकार का काम यहां पे कुछ अंकित ने किया है पिछले ओवर में अपने के अपने निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए, पावर प्ले अब खत्म को हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन अब हट चुका है, कृणाल गेंदबाजी का भार जारी रखेंगे दूर वाले छोर से। पिछला ओवर काफी महंगा रहा था उसका यहां पे भरपाई करना होगा। जी अच्छी गेंदबाजी, हल्के हाथों से खेला है वहां पे फील्डर कोई
मौजूद नहीं ऑन साइड पे, एक रन के साथ वापिस अब स्ट्राइक पे आएंगे अंकित, और अच्छी सोच वहां पे बल्लेबाज भिखू की, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अंकित अंकित काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अच्छी बल्ले पे गेंद आ रही है, तो भिखू की सोच अच्छी थी कि ज्यादातर स्ट्राइक उन्हें दिया जाए। कृणाल जी यहां बेहतरीन शॉट अपने फॉर्म को जारी रखते हुए, और बल्लेबाज यहां से यहां पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अंकित को, क्योंकि जो मौके आपने उनको दिए हैं वो मौके तो वो पूरी तरीके से बनाएंगे। अब सोचना ये होगा कि किस प्रकार से यहां पे ये विकेट लिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से रन आ रहे हैं पिछले ओवर में 25 और अब तक इस ओवर में 7 रन, 40 रन स्कोर पहुंच चुका है। धीमी गति की गेंद, जी हाँ थोड़ी पढ़ने के बाद काफी नीचे रही है गेंद, उछाल उतना था नहीं उसकी वजह से। पिछले मैच के जो मैन ऑफ द मैच रहे थे, जो कृष्णा रॉकर्स और एलआईसी वॉरियर्स के बीच में खेला गया था, जिसमें 67 रनों की एक बहुत ही अच्छी, इसी बीच एक और बड़ा शॉट यहां पे, एक और बड़ा शॉट, तो जी हां अपने पूरे फॉर्म में यहां पे बल्लेबाजी करते हुए आज पूरा दिन, आज ये दिन उनका लग रहा है, क्योंकि जो भी गेंद बल्ले पे आ रही है उसके ऊपर 6 रन ही आ रहे हैं। एक और छक्का, जी हाँ पूरी तरीके से बल्ले कर दिया है इस ओवर में, इस इसी 6 रन के साथ 50 रन 52 रन पूरे होते हुए, और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच केयूर 67 रनों की जिन्होंने पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, और आखिरी वक्त पे अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण रन आउट भी किया था। तो जी हाँ केयूर टेक अबाउ फॉर दिस प्लेयर, बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए, जी हां अंकित टीम को लीड करते हुए फ्रंट से, अच्छी गेंदबाजी और पहले ही गेंद पे विकेट, जी हां विकेट से शुरुआत इस चौथे ओवर की होती है। चौथा ओवर संदीप गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे आए थे, जी हाँ गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे लाया गया था गेंदबाज संदीप को, और जो पहले 3 ओवर में जो टीम को नुकसान हुआ है, और सबसे ज्यादा नुकसान जो पिछले 2 ओवर में हुआ है, क्योंकि पिछले 2 ओवर में टीम 48 रन बना चुकी थी, और जो रन का फ्लो था उसको थोड़ा कम करने के लिए एक विकेट की जरूरत थी, तो ये वो विकेट दिलाया है संदीप ने यहाँ पे अपने पहले ही ओवर में। जी हाँ ऊपरी किनारा दूसरा विकेट, जी नहीं पीछे एक रन मिलेगा, एक रन के साथ अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज मयंक स्ट्राइक पे। अब अंकित जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे, 50 के अपने 51 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे खेलते हुए, मात्र 15 गेंदों पे
अपना अर्धशतक खत्म किया था अंकित ने पिछले ओवर में, तो बहुत ही बढ़िया एक स्टैंड आउट पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए, और पावर प्ले का जिस प्रकार से फायदा उठाना चाहिए था वो उन्होंने बखूबी तरीके से उठाया। लेकिन उसके बाद भी फील्डिंग खुल चुकी है लेकिन उनकी बल्लेबाजी में अभी तक कोई फर्क नहीं आया है। अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद थी, ऑन साइड पे कलाइयों के सहारे खेलना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी राउंड आर्म एक्शन यहाँ पे गेंदबाज संदीप की। अच्छी ओवर अब तक ये गुजर रही है, अच्छा ओवर। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर उसको खींचा है वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए अंकित के द्वारा एक और अपने व्यक्तिगत 57 के स्कोर पे, और टीम का स्कोर पहुंच चुका है 63 रन 63। चौथा ओवर ये पारी का प्रगति पर, अच्छी गेंदबाजी हो रही थी अब तक लेकिन जैसे ही अंकित स्ट्राइक पे आए तो गेंदबाजी पूरी तरीके से थोड़ी अलग लगने लगी। जो गेंदबाज लगातार आउटसाइड डी ऑफ स्टंप धीमी गति से बल्लेबाजों को चकमा दे रहा था, वही बल्लेबाज ऐसा लगा जैसे अंकित के सामने थोड़ा सामान्य सा दिखा, क्योंकि ये प्रभाव है अंकित का जो फॉर्म अब तक गुजर रहा है, जो बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। तो जी हाँ, स्कोर 63-63 रन, चौथा ओवर ये चल रहा है। अंकित अपने व्यक्तिगत 57 के स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जिसमें 7 छक्के शामिल है उनके, एक पारी 7 छक्के और 3 चौके। तो ज्यादातर अंकित ने यहां पे बाउंड्रीज में डील की है। 63 स्कोर, चौथा ओवर प्रगति पर है। फुलटॉस गेंद थी और वैसे तो खेलना चाहते थे लॉन्ग लेग की दिशा में, बल्ला थोड़ा जल्दी घूम गया लेकिन फिर भी परिणाम उनके पक्ष में आया क्योंकि इतनी तेज गति से बल्ला घुमा था, शायद ऊपरी किनारा लगा फिर भी इतनी तेज गति से गेंद ट्रैवल की कि बहुत ही जल्दी बाउंड्री की ओर पहुंच गई। चौके की मदद से स्कोर 67-67 रन। इस बार धीमी गति की आउटसाइड डी ऑफ स्टंप ओवर की समाप्ति, डॉट बॉल के साथ इस ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 67 रन। 11 रन आए पिछले संदीप के ओवर में और एक विकेट भी उनको मिला, तो अब तक का सफल ओवर ये माना जाएगा। पहला ओवर एक अच्छा रहा था जिसमें मात्र 8 रन आए थे, उसके बाद तो मात्र बल्लेबाजों की ही चली है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद इसी बीच एक अच्छा ओवर डाल के गए अपनी टीम के लिए संदीप। लेकिन अच्छी बात है कि अंकित अभी भी मौजूद है वहां पे, बल्लेबाज मयंक जय गेंदबाजी का पार संभालेंगे। फील्डिंग में तब्दीली, जी हाँ फील्डिंग में तब्दीली, डीप में स्क्वायर लेग और मिड विकेट का क्षेत्र पूरा खाली छोड़ रखा है कप्तान ने। एक नजदीक कैचिंग पोजीशन वहां पे बाएं हाथ के, जी हाँ बेहतरीन फील्डिंग जिसके लिए बल्लेबाज जिसके लिए फील्डर वहां पे रखा गया था, अच्छी फील्डिंग वहां पे कप्तान के द्वारा, अपने आप को एक कैचिंग पोजिशन पे लाके रखा और उसी के तहत गेंदबाजी की है जय ने। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत इस 5वें ओवर में, लेकिन ये दूसरी गेंद विकेट का पतन यहां पे हो, स्कोरर को इतना कुछ परेशान नहीं किया और
जी हाँ, दूसरा विकेट यहां पे गिरता हुआ मयंक के रूप में। लेंथ डिलीवरी थी, हाफ वॉली थी, लेकिन उनके पाले में नहीं थी ये गेंद, थोड़ी थी ऑफ स्टंप पे थी उस, और उसको लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास था वहां पे, लेकिन जो पावर जनरेट होनी चाहिए वो हुई नहीं, उसकी वजह से अपना विकेट गवाया मयंक ने। और विकेट के कॉलम में दूसरा विकेट अब लिखा जा चुका है, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 67। जी नो बॉल, फ्रंट फुट नो बॉल, और पावर, जी हाँ, फ्री हिट अंपायर, जी हाँ फ्री हिट रहेगा इस गेंद के ऊपर। अतिरिक्त रन बढ़ते हुए 68 रन स्कोर। लो फुल टॉस डिलीवरी थी, फील्डर वहां पे मौजूद है डीप में। अमूमन ज्यादातर इस प्रकार की गेंदे जो लो फुल टॉस रहती है विकेट का कारण होती है, लेकिन अच्छा संभाला इस गेंद को, अब तक अच्छी गेंदबाजी। 69 रन स्कोर, 3 रन अब तक महज आए हैं, 2 रन आए हैं अब तक इस ओवर में। अच्छी गेंदबाज, जी हाँ बिल्कुल लाइन और लेन के तहत वहां पे डिफेंस किया और हल्के हाथों से खेला, एक रन के साथ छोर बदला वहां पे बल्लेबाज आरिस ने। स्ट्राइक पे अब वापिस अंकित, 70 रन स्कोर, 70। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी लेकिन उसका फायदा अंकित ने, जो बेहतरीन फॉर्म में है, इस प्रकार की गेंद आप इस बल्लेबाज को नहीं दे सकते। अगर इस गेंद को पर डालना है तो थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप हो, उसके ऊपर थोड़ी गति ज्यादा हो, और अगर अतिरिक्त बाउंस मिले तो आप इस बल्लेबाज को चकमा दे सकते, लेकिन फिलहाल तो यहां पे मात्र अंकित की चल रही है। और इस 6 रन के साथ 76 76 रन स्कोर पहुंच चुका है, थोड़ा सा दबाव अब महसूस करेंगे जय। अच्छी गेंदबाजी, जी हाँ बिल्कुल जड़ में, एक रन के साथ, जी हाँ ओवर समाप्त होना चाहिए, जी हाँ एक रन के साथ ही ओवर की समाप्ति। आखिरी गेंद पे एक रन, स्कोर 77-77, 2 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर की समाप्ति, जी हाँ 5 ओवर की समाप्ति। अंकित मिहिर चैलेंजर्स को आमंत्रित किया था सीवांस राइजर्स ने टॉस जीत के, और उसके रिप्लाई में जो फैसला किया था उसका जवाब देते हुए अंकित मिहिर चैलेंजर्स। 5 ओवर का खेल हो चुका है, स्कोर बोर्ड पे 77 77 रन लग चुके हैं। अभी भी सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए अंकित नाबाद है, और अच्छे बड़े स्कोर के ऊपर नाबाद है अभी भी, पूरी तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं। इरादा तो वही था मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन अच्छी शुरुआत इस ओवर की हुई है। बॉलर कौन सा है? संदीप एक कामयाब गेंदबाज है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, अगर छोड़ देते तो शायद ये वाइड हो सकती थी। फील्डर वहां पे मौजूद थे लेकिन सूर्य की रोशनी में उनको गेंद शायद दिखाई नहीं थी, लेकिन 2 रन लेने से फिर भी नहीं, जी माफ कीजिएगा, 1 रन मिला आसानी से वहां पे, 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 79 डाउन द लेग, जी निश्चित तौर से वाइड करार दी जाएगी अंपायर के द्वारा। सागर इस मैच के प्रमुख अंपायर, फ्रंट अंपायर के रूप में। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 80 रन पहुंच चुका है, 6 ओवर ये प्रगति पर है, बेहतरीन गेंदबाजी वहां पे बिल्कुल जड़ में, आउटसाइड डी ऑफ स्टंप को इतना आप कुछ पावर पे एक जवाब था नहीं अंकित के पास, खोद के निकालना जरूर चाहते थे, लेकिन तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज संदीप की, अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई है। पहला ओवर भी काफी अच्छा रहा था, इसके बाद ये ओवर भी अब तक काफी अच्छा गुजर रहा है, लेकिन इसी बीच जैसे ही मौका मिला वहां पे बल्लेबाज
आरिस को उन्होंने मौके को नहीं गवाया। वैसे ही मौका मिला वहां पे बल्लेबाज तंबे, ये गेंद थी थोड़ा सा उछाल था, मौके को नहीं पूरी तरीके से गेंद बल्ले पे आई। अभी हम तारीफ कर रहे थे गेंदबाज 6 रन के साथ, आखिरी गेंद गलत गेंद पे शायद, और 6 रन के साथ जी नहीं एक गेंद शायद अभी सुबह बाकी है। तो लगातार दो गेंदों पे 2 छक्के आए हैं। तंबे ये गेंद थी थोड़ा सा उछाल था, पूरी तरीके से गेंद बल्ले पे, लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के और स्कोर पहुंच चुका है 93 रन। काफी बाहर ऑफ स्टंप के रूम था वहां पे, लेकिन गेंद पूरी तरीके से बल्ले पे आए नहीं डॉट बॉल के साथ। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 93 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पिछला ओवर पहली 3 गेंदें हालांकि अच्छी गुजर रही थी, उसके बाद 2 गलत गेंद, एक ओवर पिच डाली और उसके बाद एक थोड़ी बाउंस डालने के प्रयास में 2 छक्के पिछले ओवर में आए थे, उसकी वजह से स्कोर 93 पहुंचा। जय अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे अपने स्पेल का। दूसरा ओवर, पिछला ओवर अच्छा रहा था जय का जी, मौका पहली गेंद पे लेकिन छोड़ा तीसरा चांस जी नहीं, तीसरा चांस वो कहते हैं क्रिकेट में आपके पास, उसके साथ आपके पास नसीब भी थोड़ा होना चाहिए, और ये नसीब के धनी है, किस्मत के धनी है ये खिलाड़ी अंकित। 3 मौके अब तक मिल चुके हैं और उसका फायदा उठाया है अब तक, तो बाकी के दौर में भी ये क्या खिलाड़ी कुछ क्या किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं वो देखना होगा। फुलटोस गेंद थी जी हाँ, नो बॉल करार वहां पे अंपायर खड़े उसके द्वारा, हाइट के काफी ऊपर थी, फ्री हिट होगी इस गेंद के ऊपर। बेहतरीन शॉट जी हाँ, इस बार मिड विकेट और स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद जरूर थे, लेकिन मात्र बनेंगे दर्शक, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है सभी गेंद जैसे मिडल ऑफ द बैट लगती है, तो ऐसा ही लगता है कि 6 रन के लिए ही जाएंगी। बेहतरीन शॉट जी हां, इस बार मिड विकेट यहां पे 6 रन के साथ, बॉल पे 100 रन लग चुके हैं, दबाव में गेंदबाज और ये दबाव साफ नजर आ रहा है। अंकित अपने व्यक्तिगत 77 के स्कोर पे खेल रहे हैं और टीम का स्कोर पहुंच चुका है 101 रन जी हाँ। इसके बाद अभी भी एक ओवर शेष है, तो अपना शतक बना सकते हैं अगर पूरा ओवर वो खेलते हैं तो, मौका है उनके पास। जी अच्छी गेंदबाजी जी हाँ, बिल्कुल जड़ में कुछ इसी प्रकार की इस लॉक में जरूरत रहेगी, डेफ्थ ओवर में इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी अगर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कम करना है। हाईएस्ट जो स्कोर है टोटल 128 रन पिछले मैच में बना था इस ग्राउंड के ऊपर, यहां पे भी 102 रन बन चुके हैं। हवा में गेंद इनसाइड आउट शॉट, ऊपरी किनारा, फील्डर उसके नीचे मौजूद, मौका आसान सा लेकिन गवाया मौका, पता अपने हाथों में क्या लगा कर आए हैं। एक भी कैच इस मैच में अब तक पारी में लिया नहीं गया है, अगर इस प्रकार के आप कैचेस छोड़ते रहेंगे, बल्लेबाज को मौके देते रहेंगे, तो बड़ा टोटल बॉल पे दिखने को मौका आसान सा पटकी हुई लेकिन गवाया मौका। शॉट को पता नहीं, आप कैचेस छोड़ते रहेंगे, बल्लेबाज को मौके देते रहेंगे, तो बड़ा टोटल बॉल पे मिलने को मिलेगा इस 2 रन के साथ। अब पटकी हुई गेंद स्कोर पहुंच चुका है, जल्दी खेल बैठे इस शॉट को 105 जी 2 रन 2 विकेट के नुकसान पे अंकित 80 के स्कोर पे अंकित जी हाँ। दबाव में गेंदबाज लेग स्टंप के काफी बाहर, एक बड़ा वाइड अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई और 106 रन इस अतिरिक्त वाइड के तहत।
जिसके बाद अभी भी एक ओवर बाकी है, जिसकी उम्मीद थी, जी हाँ, जिसकी देखने को मिल सकता है और वही देखने को मिला। तो छह रन के साथ सातवें ओवर की समाप्ति की और सात ओवर की समाप्ति पे अब स्कोर है 112 रन, दूसरा हाईएस्ट टोटल अब तक इस ग्राउंड के ऊपर इस पारी में आ चुका है 112 रन और 86 के स्कोर पे नाबाद बल्लेबाजी करते हुए अंकित। जी हाँ, मौके काफी मिले हैं लेकिन ये देखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके सामने उन्होंने क्या नुकसान किया है वो देखने की जरूरत है। काफी बड़ा यहाँ पे डैमेज किया है सामने वाली टीम के लिए। जी हाँ, सूझबूझ भरी और इंटेलिजेंट क्रिकेट यहाँ पे बल्लेबाज आरिस के द्वारा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि महज 14 रन दूर है अपने शतक से। अंकित और अच्छे फॉर्म में है, 113 रन स्कोर बोर्ड पे है लेकिन इंतजार रहेगा अंकित के शतक का क्योंकि 5 गेंदें अभी भी शेष है और 14 रन में है, दूर है अपने शतक से। सीधा वहां पे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। जी हाँ, शॉट काफी तेज था, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। और जी हाँ, वहां पे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। जी हाँ, शॉट काफी तेज था, शॉट काफी अच्छी थी लेकिन पूरी तरीके से बल्ले पे आई नहीं थी। जी अच्छी गेंदबाज, जी हाँ, जी हाँ, पैरों पे ये गेंद थी, डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, आखिरी ओवर अभी तक अच्छा गुजर रहा है, स्कोर अभी भी रुका हुआ 113 के स्कोर पे, मात्र एक रन अब तक आया है इस ओवर में। उठा के खेला इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद वहां पे और इस मैच का कई मौके मिलने के बाद अंकित को आखिरकार गेंदबाज क्रिस ने वापस भेजा है अंकित को, लेकिन जो डैमेज करना था, जो नुकसान करना था सामने वाली टीम को, वो पूरा करके जा रहे हैं अंकित। इस बार लॉन्ग ऑफ 6 रनों की पारी खेल के वापस डगआउट में जा चुके हैं, आखिरी ओवर मौजूद वहां पे और अच्छा इस मैच का पहला ये कैच। जी हाँ, इस बार अच्छे शॉट मिलने के बाद उनके सहारे शॉट खेला लेकिन गेंदबाज, देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हाँ, दो रन मिलेंगे इस दो रन। क्रिस ने वापस भेजा है 100 अंकित को, लेकिन जो डैमेज करना था, जो नुकसान करना था सामने वाली टीम को, पूरा करके जा रहे हैं अंकित इस ओवर में आए हैं। तो अच्छी गेंदबाजी, जी हाँ, सिक्स शुरुआत अच्छी हुई थी, वापस डगआउट में जा चुका हुआ है क्रिस के द्वारा। ये ओवर प्रगति पर है, बैट के शॉट वहां पे खेला, वहां पे कोई फील्डर मौजूद लेकिन मात्र दर्शक इस अच्छा बार शॉट, अच्छी शॉट वहां पे नियम के तहत घुटनों के सहारे शॉट खेला लेकिन देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हां, दो रन मिलेंगे इस दो रन के साथ, यहां पे स्कोर पहुंच चुका 100। अंकित मिहिर चैलेंजर्स की पारी की भी समाप्ति, 117 रन 15 3 रन, 8 ओवर की समाप्ति पे है। तो अच्छी गेंदबाजी, जीत के लिए 118 रन अच्छी बनाने हैं, पारी की तो अंजाम भी अच्छा हुआ है। राइजर की टीम को बैट के शॉट वहां पे खेला, वहां पे कोई फील्डर रनों की पारी खेली, दर्शक अच्छा शॉट था लेकिन अपनी टीम के लिए दो रन जिसमें, तो इस आखिरी गेंद पे दो रन के साथ ओवर की समाप्ति और यहां पे अंकित मिहिर चैलेंजर्स की पारी की भी समाप्ति 117 रन ने, एक 117 रन बहुत ही बढ़िया की समाप्ति पे टीम के लिए जीत के लिए 186 रन बनाने हैं जिसमें सिवान के राइजर की 4 चौके शामिल थे। 86 तो 86 रनों की पारी खेली, अंत में अंकित ने अपनी टीम के लिए पर रोका,
अंकित मिहिर चैलेंजर्स की टीम को अब जीत के लिए सिवांस राइजर को 118 रन बनाने हैं अगर इस मैच को जीत के अगले चरण में क्वालिफाई करना है सिवांस की टीम। बहुत ही बढ़िया पारी अपनी टीम के लिए खेली 86-86 रनों की, जिसमें 10 छक्के और 4 चौके शामिल थे, तो अच्छी बल्लेबाजी। अंत में 117 रन पर रोका अंकित मिहिर चैलेंजर्स की टीम को अब जीत के लिए सिवांस राइजर को 118 रन बनाने हैं अगर इस मैच को जीत के अगले चरण में क्वालिफाई करना है सिवांस की टीम को। जूना बॉल आप जाओ कॉमेंट्री बॉक्स में, जूना घसायला बॉल ने तो कॉमेंट्री बॉक्स में आप जाओ। जूना बॉल आप जाओ कॉमेंट्री बॉक्स में, जूना घसायला बॉल ने तो कॉमेंट्री बॉक्स में आप जाओ। जी हाँ, तो सलामी बल्लेबाज 118 रन का पीछा करते हुए सिवांस राइजर की टीम 8 के काफी ऊपर है। तो जी हाँ, नो बॉल करार दी जाएगी अंपायर सागर के द्वारा और अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। पहली ओवर में यहाँ पे तोहफा मिलता हुआ फ्री हिट के तौर पे शॉट अच्छा था, लेकिन महज 2 रन ही मिलेंगे। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, पहले से मन बना लिया था कि ऑन साइड पे शॉट को खेलेंगे। गेंद अच्छी तरीके से बल्ले पे आई भी, 2 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 3 रन। जी हाँ, अतिरिक्त रन के सहारे टीम का खाता खुला था। जी 4 रन, माफ कीजिएगा। पहला ओवर ये प्रगति पर है, पावर प्ले पहले दौर में रहेगा। जी अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी सी धीमी गति से ये गेंद रिलीज की थी कौशल ने और सुनील काफी जल्दी शॉट खेल बैठे अपना। अच्छी शुरुआत हुई है इस ओवर की, 118 का पीछा कर रही है।
सिवांस की टीम आउटसाइड डी ऑप्शन में गेंद उसको खींचा है स्क्वायर लेग के ऊपर से। ये शॉट आसान नहीं होता इस प्रकार के शॉट खेलना क्योंकि गेंद में इतनी गति थी नहीं, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, वहां स्क्वायर लेग पे रखना ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। इसके ऊपर आपको पूरी ताकत झोंकनी होती है और वो पूरी ताकत झोंक दी बल्लेबाज सुनील ने। पहला छक्का इस पारी का आता हुआ सिवांस राइजर की ओर से, 6 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 10 रन। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइट जरूर होगी अंपायर सागर का इशारा। अतिरिक्त रन बढ़ते हुए दबाव में अब गेंदबाज, क्योंकि पिछली गेंद पे जो छक्का आया उसका ये परिणाम है कि दबाव महसूस करेंगे। फुल टॉस गेंद काफी हाइट के ऊपर, जी हाँ शोल्डर के ऊपर गेंद, तो नो बॉल, दूसरी नो बॉल इस ओवर की और दूसरा फ्री हिट भी इस ओवर में आएगा। तो कौशल अभी तक गेंद पे इतना नियंत्रण देखने को मिला नहीं उनकी गेंदबाजी में, अच्छी गेंदबाजी जी हाँ, पैरों पे जाके टकराई, पहले ही शॉट खेल बैठे, बल्ला जल्दी घूम गया था और जो गति थी गेंद की उतनी थी नहीं कि एक बड़ा शॉट आप खेल पाए इस गेंद के ऊपर। और डॉट बॉल, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 12 रन। अच्छी गेंद जी हाँ, लो फुल टॉस आउटसाइड डी ऑफ स्टंप जी, बाई का एक रन मिलेगा जी हाँ, 13 रन पहले ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे सुनील। और नीरव और सुनील दो सलामी बल्लेबाज सिवांस राइजर की ओर से। 118 रन का पीछा कर रही है सिवांस राइजर की टीम। अंकित की बेहतरीन पारी की बदौलत 117 रन बनाए थे चैलेंजर्स की टीम ने। गेंदबाजी में अब बार संभालेंगे श्वेत जी, थोड़ी वहां पे नाराज है कप्तान अंकित, नाराज है जी हाँ। स्कोर भले ही आपको 118 दिख रहा है लेकिन पिछले मैच में हमने देखा है कि 100 के ऊपर से तो स्कोर बंद रहे हैं। जी अच्छी गेंदबाजी जी हाँ, आउटसाइड डी ऑफ स्टंप, ये लाइन अच्छी है, भले वाइड है लेकिन ये जो लेंथ है ये काफी बढ़िया है। आउटसाइड डी ऑफ स्टंप की लेंथ बल्लेबाजों के लिए कारगर साबित हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत रहती है अगर गेंदबाज ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी करता है, अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत होती है बल्लेबाज को, तो अच्छी लाइन है ये। लेकिन फिर से गलत गेंद जी, अभी मैं इसी की बात कर रहा था कि आप लेग साइड पे या तो और इस तोहफे को कबूल किया और 6 रन के साथ गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, तो 6 रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 20-20 रन। लेकिन फिर से गलत गेंद जी, अभी मैं इसी की बात कर रहा था कि आप लेग साइड पे या तो पैर हल्की सी पटकी हुई गेंद थी जी हाँ, वहां पे फील्डर की कोई गलती नहीं। सात आठ फुट का फील्डर भी शायद नहीं रोक पाएगा, तो जी हाँ इस चौके के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 24-24 रन। और अंकित मिहिर चैलेंजर्स को किसी पटकी हुई गेंद अगले चरण में जी हाँ वहां पे ले जाना है, कोई गलती नहीं, तो 85 रन उनको डिफेंड करने होंगे। सिवांस राइजर की टीम को 85 से भी कम स्कोर के ऊपर इनको रोकना होगा, उनके लिए 118 नहीं उनके लिए मात्र 85 स्कोर ध्यान में रखना होगा जी। अच्छी गेंद, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये गेंद हमेशा ही किसी भी फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो कारगर साबित होती है। आप जैसे ही लेंथ दोगे बल्लेबाज की, रडार में गेंद डालोगे तो बड़े शॉट के लिए आपको तैयार रहना होगा। अच्छा कमबैक
पिछली गेंद पे चौका उसकी, अगली गेंद पे छक्का, उसके बाद कमबैक अच्छा है गेंदबाज श्वेत के द्वारा। फुल टॉस गेंद, गलती कर दी और उसका परिणाम 6 रन के साथ भुगता। जी हां, 6 रन के साथ स्कोर 30 रन पहुंच चुका है। नाराज है अंकित वहां पे। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, आउटसाइड डी ऑफ स्टंप, हल्की सी लेंथ ऊपर की ओर जब आप डाल रहे थे तो आपको भी मालूम है लगातार डॉट गेंदे आ रही थी, लेकिन अतिरिक्त कुछ करने की और जरूरत थी नहीं और उसके प्रयास में अब तक 2 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं। इस बार ऑफ स्टंप से उसको खींचा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, देखना होगा। जी हाँ, 6 रन। पिछली गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ओवर की समाप्ति 36 रन। जी हाँ, ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 36 रन 36, बिना किसी विकेट के नुकसान पे लगातार 2 गेंदों पे। पिछले श्वेत के ओवर में 23 रन 23 रन आए हैं, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल है। जी हाँ, तो महंगा ओवर, पावर प्ले का आखिरी जो ये ओवर था काफी महंगा हुआ है, साबित हुआ है चैलेंजर्स के लिए। पहला ओवर अच्छा रहा था लेकिन श्वेत थोड़ी लाइन और लेंथ से उनको तकलीफ हो रही थी, लगातार लाइन और लेंथ में वेरिएशन मैंने देखा है और उसका परिणाम आप सभी ने देखा है। और स्कोर बोर्ड पे 36 रन 36। जी हाँ, बिना किसी विकेट के नुकसान पे, तो जरूरत थी पावर प्ले में जिस प्रकार की बल्लेबाजी होनी चाहिए वो अब तक हुई है, 18 की औसत से। पहले दो ओवर में रन आए 36 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इसी बीच विकेट का पतन पहला बल्लेबाज नीरव के तौर पे। जाए तो जो ये सीवांश राइजर की टीम जो बल्लेबाजी कर रही है, अगर उनको पहले और दूसरे पायदान पे टेबल पॉइंट में अपने आप को रखना है तो मात्र 60 रन उनको बनाने होंगे। अगर वो 60 रन बना लेती है, अगर 60 रन वो टीम बना लेती है राइजर्स की टीम, सीवांश राइजर की टीम, तो वो पहले पंचासी से भी कम स्कोर पे इनको रोकना होगा। जी हाँ, किनारा लगा था वहां पे। जी हाँ, अंदरूनी किनारा लगा था। स्कोर अब पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 37 रन। जी हाँ, फिर से याद दिला दूं बल्लेबाजी सीवांश राइजर की टीम को, आपको महज 60 संभाला है। अच्छी गेंदबाजी, आउटसाइड डी ऑफ स्टंप। जी नहीं, अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, ऑफ साइड पे चकमा दिया वहां पे।
इस बार ऑफ स्टंप पे रूम पॉइंट पे फील्डर मौजूद, डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, इसी प्रकार के कुछ ओवर की जरूरत होगी क्योंकि जो टारगेट 118 का है वो अब ध्यान में नहीं रहेगा क्योंकि अब कंसंट्रेशन होगा 85 और सामने 60 के ऊपर। जी हाँ, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था। ये शॉट, ये जो गेंद थी वो ऑन साइड पे खेलने का कोई मौका था नहीं, लेकिन एक प्रयास किया, विफल रहे डॉट बॉल के साथ। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे, मात्र 2 रन आए पिछले मयंक के ओवर में और वो सक्सेसफुल ओवर था, एक सफल ओवर समाप्त हुआ तीसरा। किस कुछ इसी प्रकार के ओवर की जरूरत रहेगी, इसी प्रकार के ओवर चाहती होगी चैलेंजर्स की टीम। चैलेंजर्स के कप्तान भी चाहेंगे कि बॉलर हम यहां से हमें अब बैक करें क्योंकि इनके लिए तो मात्र टारगेट 60 है और इनको डिफेंड करना है 85। वहीं अब जहन में रख के गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ऑफ स्पिन, एक स्पिन गेंदबाज पहली बार इंट्रोड्यूस होता हुआ इस गेम में, वाइड के साथ शुरुआत की है चौथे ओवर की कौशल। जी हाँ, दूसरा ओवर अपने स्पेल का डाल रहे हैं कौशल, काफी बाहर। जी हाँ, लाइन लेंथ में अभी भी उनको तब्दीलियां, थोड़ी परेशानी हो रही है लाइन लेंथ में, अभी भी थोड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं गेंदबाज। पिछले ओवर में भी नो बॉल और वाइड उनके ओवर में आए थे। राउंड द विकेट, लाइन और लेंथ वही है अभी भी। जी हाँ, परेशान है अपनी लाइन के सबसे थोड़ा। राउंड विकेट डाल के एक नेगेटिव लाइन वहां पे रखने की कोशिश थी लेकिन कामयाब नहीं रहे और 3 लगातार गेंदे वाइड रही। जी हाँ, ये अच्छी लाइन है। आप इस प्रकार की लाइन आप अगर ओवर दी विकेट डालोगे तो आपके लिए शायद थोड़ा बेहतर होगा क्योंकि आपकी गेंद थोड़ी पड़ने के बाद घूमती है तो पड़ने के बाद शायद थोड़ी अंदर आएगी, उसकी वजह से आपको जो रन पड़ने हैं वो उतने पड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर राउंड विकेट डालेंगे तो ज्यादातर वाइड और लंबा ओवर होने की संभावना है। तो अब इस एक रन के साथ 43 माफ कीजिएगा स्कोर, काफी बाहर। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर अभी भी लाइन दो। इस बार पूरी ताकत के साथ इस शॉट को खेला है, अपने आप को ऑफ स्टंप पे जाके खड़ा किया, पूरा रूम मिला, वेट किया क्योंकि लगातार बल्लेबाज से गेंद थोड़ी दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उस प्रयास में वाइड ज्यादातर जा रही है, उसकी वजह से थोड़ा अंदर डालने के प्रयास में ऊपर कर बैठे और उसका फायदा उठाया। के ऊपर मैंने पहला कहा था कि ये लंबा ओवर हो सकता है और अगर इस गेंद को बड़ा बनाया जाए तो फायदा हो सकता है यहां पे सिवान राइजर की टीम को। रिवर्स स्वीप निकाला है वहां पे अपने पाले में से और बेहतरीन तरीके से खेला है। जी हाँ, ये कॉमन शॉट बन चुका है अब शॉट फॉर्मेट में, शॉट फॉर्मेट में काफी प्रचलित ये शॉट है। वैसे भी अगर गेंदबाज दबाव में है तो इस प्रकार का शॉट बल्लेबाज खेल के ज्यादा दबाव बना सकता है, तो बेहतरीन शॉट था पिछला, अच्छा रिवर्स स्वीप शॉट वहां पे खेला और इस चौके की मदद से अब 58 रन 58 रन स्कोर पहुंच चुका है। ओवर अब तक ये गुजर रहा है, 20 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं, 2 छक्के और 2 चौके अब तक इस ओवर में। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर था, पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी नीची रही, सीधी रही और
कोई रन नहीं पिछली गेंद पे, आखिरी गेंद पे डॉट बॉल और ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 58 रन। पिछले कौशल के ओवर में 20 रन आए, अतिरिक्त रन ज्यादा थे उस ओवर में, लेकिन उसके सामने दो चौके और एक छक्का भी शामिल था। जी हाँ, स्कोर 58 रन, चार ओवर की समाप्ति, 15.77 या 78 का औसत चल रहा है। क्वालिफाई के लिए 60 रन की जरूरत है पहले दूसरे पायदान पे अपने आप को अगर अंत में खत्म करना है राइजर्स की टीम को। पहली गेंद एक रन मिलेगा वहां पे, छोर बदलेंगे, स्ट्राइक पे वापस आएंगे अब कृणाल स्ट्राइक पे रहेंगे। नीरव के रूप में महज एक मात्र विकेट गिरा था, उसके बाद अच्छा संभाला है सुनील और कृणाल ने इस पारी को। 59 ऑफ स्टंप के काफी बाहर, फॉलो किया वहां पे बल्लेबाज को, क्योंकि बैट्समैन ऑफ स्टंप पे खेलने का पसंद करते हैं और फॉलो करने के प्रयास में वाइड एक अतिरिक्त गेंद डाल बैठे। 60 रन हो चुके हैं यहाँ पे राइजर्स की टीम को और अब पहले दूसरे पायदान पे अपने आप को क्वालिफाई कर जाएंगे। वो पटकी हुई गेंद थी, अच्छा शॉट वहां पे, पूरी ताकत झोंक दी। जी हाँ, गेंद में थोड़ा अतिरिक्त बाउंस था, लेकिन अगर आपके पास गति हो तभी इस प्रकार के बाउंस आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, वरना एक बड़े शॉट ही इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज खेल देता है और वही किया गेंदबाज कृणाल ने। अच्छी गेंदबाज, अच्छी बल्लेबाजी अब तक हुई है नीरव और कृणाल दोनों ही सुनील और कृणाल दोनों के द्वारा। जहां उन्होंने मौके मिले उस मौके को पूरी तरीके से बनाया है उन्होंने। अब शायद नजर रहेगी 118 के टारगेट के ऊपर, राउंड विकेट, रिवर्स स्वीप निकाला है वहां पे, लेकिन देखना होगा। जी एक रन मिलेगा, जी हाँ जी एक रन मिलेगा, एक रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 67, 67 रन एक विकेट के नुकसान पे। जीत की अगर बात करें तो 51 रनों की जरूरत है अभी भी अगर इस टारगेट को अचीव करना है। क्वालिफाई एक पहले और दूसरे पायदान पे हो चुके हैं, अगर टारगेट भी हासिल कर देते हैं तो दुगनी खुशी होगी उनके लिए और अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। ऑफ स्टंप पे गेंद थी, मिड विकेट की दिशा में खींच के एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन बहुत ही जल्दी अपना शॉट खेल बैठे, शॉट काफी जल्दी अपना खेल गए वहां पे, पूरी तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं और एक आसान सा कैच डीप में वहां पे स्क्वायर लेग की दिशा में। जी हाँ, दूसरे विकेट का पतन 67 के स्कोर पे। यहाँ पे दूसरा विकेट गिरा, आउट होने वाले बल्लेबाज सुनील। 33 रन की पारी खेली, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉक, एक इम्पोर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए खेली, जरूरत थी एक सलामी बल्लेबाज को वहां पे टिकने की, क्योंकि पहली जरूरत थी क्वालिफाइंग स्कोर को अचीव करने की, वो उन्होंने करवा दिया और अब जिम्मेदारी रहेगी एक सेट बल्लेबाज कृणाल जो नॉन स्ट्राइक एंड पे, नए बल्लेबाज जय, बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे मयंक का राउंड विकेट। पिछली गेंद पे को विकेट चटका चुके हैं, बाहरी किनारा वहां पे, पीछे अंकित मौजूद, कोई रन नहीं, अच्छी ओवर अब तक ये गुजर रही है, स्कोर अभी भी महज रुका हुआ है 67 पे। जी हाँ, अंदरूनी किनारा लगा था वहां पे बल्ले का, तो बल्लेबाज के खाते में रन गिने जाएंगे। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पे
पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 68 रन 68 रन। जीत के लिए 50 रनों की जरूरत है। अगले निर्धारित 18 गेंदों में 17 की औसत से रन बनाने हैं अगर इस मैच को जीतना है, और 85 रन डिफेंड करने होंगे अंकित मिहिर चैलेंजर्स को अगर पॉइंट टेबल में पहले और दूसरे पायदान पे अपने आप को रखना है। जी हाँ, पहले ही गेंद पे विकेट, गेंद काफी बाहर थी, इसी बाहर की ओर निकली। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे जय वहां पे, लेकिन स्कोरर को बिना परेशान किए वापस डगआउट में आ रहे हैं। काफी बाहर खड़े थे लेग स्टंप से, वहां से गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की ओर निकली, बाहरी किनारा लिया और तीसरे विकेट का पतन, तीसरा विकेट यहां पे गिरता हुआ शिवांश राइजर का। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 68 रन। जी हां, छठा ये ओवर प्रगति पर है, लेकिन अच्छी बात यह है राइजर के लिए कि कृणाल अभी भी मौजूद है। 85 थी वधर नहीं था बाजू 85 था तो ये पूछ ले जाओ पंचन जो पूछा कि पंचन ही था तो हूं करवा मैंने 85 के 85 हुदी। अच्छी गेंदबाजी अब तक गेंदबाज ओपी के द्वारा, नहीं सुजीत माफ कीजिएगा, ऊपरी किनारा, लेकिन मात्र एक रन मिलेगा अंपायर का जी इशारा एक रन का। एक रन के साथ स्कोर अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ 69 रन। स्कोर थोड़ा रुक सा गया है, उसकी वजह है लगातार इंटरवल पे दो विकेटें गिर चुकी है। पिछले ओवर में भी विकेट गिरा था, इस ओवर में भी विकेट आया था, उसकी वजह से जो रनों की गति है, और पिछले दो ओवर में अगर देखा जाए तो ज्यादातर स्ट्राइक। बड़ा शॉट, जी हाँ, एंकल के सहारे शॉट को खेला, डीप में फील्डर मौज। जी हाँ, लगातार विकेटें गिर रही है। पहले ऐसा लग रहा था जहां तक पांच ओवर जब हुए थे, जब आउट में वापस जा चुकी है, और अब यहां पे बेहतरीन तरीके से अपने आप को बैक कर रही है चैलेंजर्स की टीम, क्योंकि उनके जहन में यह है कि 85 अगर वो डिफेंड करते हैं तो पहले दूसरे पायदान पे रहेंगे, अगर वो डिफेंड नहीं कर पाते तो तीसरे नंबर पे अपने आप को संतुष्ट होना होगा। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी अब तक हो रही है, पिछला ओवर जो रहा था, अब ये जो ओवर गुजर रहा है, उसके हिसाब से लग रहा है कि उम्मीदें काफी बढ़ गई है उनकी, उसकी वजह लगातार विकेटों का गिरना है। पिछले दो ओवर में चार विकेटें गिर चुकी है अब तक, पिछले दो ओवर की अगर बात की जाए तो, और दोनों ही सेट बल्लेबाज जो नीरव और कृणाल थे, वो दोनों ही सेट बल्लेबाज डगआउट में जा चुके हैं, तो अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में मौजूद। जी हाँ, ऑफ स्टंप पे रूम काफी दे बैठे,
फील्डर वहां पे मौजूद है, देखना होगा रोक पाएंगे नहीं। जी हाँ रोका है वहां पे। ओवर की समाप्ति, जी हाँ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पे 11.90 की औसत से 71 रन बने हैं और आधी टीम मतलब 5 विकेटें गिर चुकी है। और अब पिछले ओवर में मात्र 3 रन आए थे और 3 विकेटें गिरी थी, तो ये जो स्कोर बोर्ड पे जो असर हुआ है, रन जो थोड़े कम आए हैं, जिस गति से रन आ रहे थे उसकी गति जो थोड़ी कम हुई है, उसकी वजह पिछले ओवर में जो 3 विकेटें आई। जी हाँ 7वां ओवर प्रगति पर रहेगा, स्कोर बोर्ड पे 71 रन। राइजर्स की टीम पहले दूसरे नंबर के लिए क्वालिफाई अपने आप को कर चुकी है। ये लड़त चैलेंजर्स की है, चैलेंजर्स को 85 डिफेंड करना है। अंकित मिहिर चैलेंजर्स की टीम को जहन में रखना होगा 85 रन। जी हाँ अगर 85 के 85 पे भी खत्म करते हैं तो भी वो पहले दूसरे पायदान पे आ सकते हैं, 85 या तो 85 से कम। अच्छी गेंदबाजी, शुरुआत अच्छी हुई अंकित के द्वारा इस ओवर में। बॉलर श्वेत जी माफ कीजिएगा, अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। पटकी हुई एक गेंद थी, ऊपरी किनारा लगा है, लेकिन पावर जो ताकत थी, ताकत गेंद के ऊपर, हालांकि पूरी तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं, शायद ऊपरी किनारा टॉप एज लिया था, लेकिन पावर इसके पीछे इतनी थी कि फिर भी 6 रन के लिए ट्रैवल कर गई स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो थोड़ा सा यहाँ पे चिंताजनक ये मौका बना है, थोड़ा चिंताग्रस्त हो गए कप्तान चैलेंजर्स के, क्योंकि बड़े शॉट जितने कम आए उतना अच्छा रहेगा उनके लिए। पटकी हुई गेंद थी, वापिस प्रयास वही था, लेकिन इस बार शायद गेंदबाज भाग्यशाली रहे कि धीमी गति से गेंद गई और बल्ला जल्दी वहां पे अपना बंद कर दिया, अन्यथा इस शॉट पे भी शायद बड़ा शॉट हो सकता था। लेकिन अच्छा कमबैक 6 रन के बाद, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 77 रन। जी हाँ 77 रन, 7वां ओवर प्रगति पर है। अच्छी गेंद, जी हाँ बिल्कुल जड़ में, हाथ में शायद अगर लगती तो कुछ अपील बन सकती थी। जी हाँ लेकिन जी हाँ बिल्कुल सेफ है बल्लेबाज वहां पे, बिल्कुल अपने होम में सेफ थे। जी हाँ अच्छी गेंदबाजी, 1 रन महज आया इस गेंद के ऊपर, 78 78 रन, 78 स्कोर। 7वां ओवर ये प्रगति पर है। जी अच्छी गेंदबाजी, जी हाँ ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल चुके, जी लेग स्टंप पे काफी बाहर निकल गए थे बल्लेबाज, ऑफ स्टंप पे कवर की दिशा में उठा के खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन अपनी गति से वहां पे मात किया गेंदबाज अंकित ने, जी माफ कीजिएगा श्वेत ने। 78 अभी भी स्कोर रुका हुआ है, 78 78 रन, इसके बाद एक और अभी भी बाकी है। एसपीएल का ये तीसरा सीजन, फुलटोस गेंद ही, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। जी ओवर की समाप्ति, बिन्नी डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे 78 रन, 7 रन डिफेंड करने हैं, 85 तक रोकना है राइजर्स को अगर अपने आप को पहले या दूसरे नंबर पे क्वालिफाई करना है। जी एक बार फिर से बता दो, 118 रनों की ये लड़त नहीं है, ये खेल 118 रन के टारगेट का नहीं है, ये लड़त अब बाकी है मात्र अंकित मिहिर चैलेंजर्स के लिए, क्योंकि सिवांश राइजर ऑलरेडी पहले दूसरे पायदान पे अपने आप को क्वालिफाई कर चुके हैं। अब ये 6 गेंदों की जो लड़त है वो मात्र चैलेंजर्स के लिए है, 7 रन
इस ओवर में डिफेंड करने हैं, अगर वो 8 रन भी दे देते हैं, क्या उससे ज्यादा रन देते हैं, तो तीसरे नंबर पे अपने आप को पॉइंट टेबल पे खत्म करना होगा। जी हाँ, ये अब एक दो रनों की लड़त है। रन रेट पे जब मैच जाता है तो और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है, और उसी प्रकार का कुछ ये माहौल SPL सीजन 3 में बना हुआ है आज के इस संडे को। जी हाँ, काफी गहमा गहमी, काफी गर्मा गर्मी, खास करके फील्डिंग साइड पे, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स महसूस है शिवांश राइजर को। अजीत के सुजीत गेंदबाज है, पिछले ओवर में 3 विकेट निकाले थे, अब तक के सबसे सफल गेंदबाज है सुजीत। 3 विकेट निकाली है उन्होंने, अपनी टीम को कमबैक किया है, तो भरोसा कप्तान का महज उनके ऊपर ही ज्यादा होगा। आखिरी ओवर लेके आएंगे अपनी टीम के लिए, 7 रन के पास है बचाने के लिए। 5 विकेट हाथ में है वहां पे शिवांश राइजर के पास। पहले ही गेंद पे खेला है, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद है, रन आउट का मौका हो सकता है। जी, डायरेक्ट थ्रो अगर शायद होती तो कुछ हो सकता था। डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत हुई है यहां पे सुजीत के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, लो फुल टॉस, इस प्रकार की गेंदबाजी अच्छी इंटरनेशनल पे भी हमने देखा है। इस प्रकार की गेंदबाजी काफी किफायती साबित होती हुई है स्लॉग ओवर में, जो लो फुल टॉस एंकल और जो सूज के ऊपर गेंद फुल टॉस नजर आती है वो अमूमन विकेट दे जाती है। ऑफ स्टंप पे उठा के खेला है, फील्डर नीचे मौजूद है और विकेट की जरूरत थी। चौथा विकेट मिलता हुआ गेंदबाज सुजीत को, और जिस काम के लिए, जिसके लिए कप्तान ने उनको आखिरी ओवर में आक्रमण का भार दिया था, उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसे पे कामयाब रहे हैं गेंदबाज सुजीत। तो अब देखना होगा कि क्या 7 रन डिफेंड कर पाते हैं, क्या 85 के स्कोर पे टीम को रोक पाते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच हियर। 85 रन्स मैक्सिमम नीड फॉर अ क्वालिफाई एंड स्टेबल फॉर हिमसेल्फ एट नंबर 1 एंड नंबर 2। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी हियर। जी हाँ, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, रन आउट हो सकते हैं। जी हाँ, रन आउट का मौका, रन तो आ नहीं रहे। ऊपर से विकेटों के कॉलम में विकेटें बढ़ती जा रही है, शायद सोचा भी नहीं होगा। 4 ओवर जब खत्म हुए थे तब मैच जिस पोजीशन पे खड़ा था वहां से शायद चैलेंजर्स की टीम ने सोचा नहीं होगा कि यहां तक पहुंचेंगे, और उसका पूरा श्रेय जो आपके सामने बल्ले गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सुजीत उनको जाएगा। 4 विकेट अब तक निकाल चुके हैं। कितना बॉल बाकी? 3 गेंद अभी भी शेष है इस ओवर की। 2 विकेट गिर चुकी है, 1 कैच के रूप में, दूसरा रन आउट के रूप में, और अब यहां से थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि 85 से ज्यादा स्कोर बना पाए, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 बड़े शॉट यहां पे चैलेंजर्स को अपनी उम्मीदों पे खत्म कर सकते हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की, बेहतरीन गेंदबाजी अब तक हुई है सुजीत के द्वारा। ऊपरी किनारा, वहां पे पूरा प्रयास किया था अंकित ने, मात्र 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ा है 79 रन। जी हाँ, 79, 6 रन चाहिए 2 गेंदों पे क्वालिफाई, अगर उनको 85 करवाना। जी हाँ, सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है, डायरेक्ट थ्रो, जी नहीं, आसानी से 1 रन, 80 रन।
80 रन बॉल पे लग चुके हैं। आखिरी गेंद का खेल बचा है। अपने 5 विकेट अगर लेना चाहते हैं तो 1 विकेट निकालना होगा, और अगर क्वालिफाइंग से दूर करना है तो इस गेंद पे छक्का लगाना होगा। खेला है वहां पे बड़ा शॉट, देखना होगा क्या खेला है। जी सारा अंपायर का हम, जी हाँ, 6 रन का वहां पे इशारा अंपायर के द्वारा। तो पिछली आखिरी गेंद पे 6 रन बचाने थे, ये खुशी जीत से भी ज्यादा शायद है उनके लिए। क्वालिफाई कर सकते थे अगर 85